यहाँ पे क्वेश्चन है स्टूडेंट दैट राइट द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस फॉर एन आइडियल परफेक्टली रिजिड बॉडी। ओके, राइट दी वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस फॉर एन आइडियल परफेक्टली रिजिड बॉडी। देखिए आइडियल परफेक्टली रिजिड बॉडी कहने का मतलब क्या हो, रिजिड बॉडी का मतलब तो ये होता है एक ऐसा बॉडी जिसका शेप और साइज जो है ना मोशन के टाइम पे चेंज ही नहीं होता है, फिक्स रहता है। और आइडियल परफेक्टली बोल दिया तब तो भाई कोई चांस ही नहीं है कि उसका जो शेप और साइज है वो चेंज होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारा होगा आंसर कुछ ऐसा होगा दैट कि इफ द बॉडी इज आइडियल परफेक्टली रिजिड, इफ द बॉडी इज आइडियली परफेक्टली रिजिड, परफेक्टली रिजिड अगर ऐसा है तो आपका चेंज इन लेंथ डेल्टा एल क्या, चेंज इन लेंथ 0 होगा। और वी नो दैट हम लोग ऐसा जानते हैं दैट कि यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब देखिए स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स बाय एरिया और स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ बाय लेंथ। तो अगर मान लीजिए कि चेंज इन लेंथ 0 है तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, 0, तो वाई हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका फोर्स बाय एरिया डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 0। स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल है ना, तो डेल्टा एल 0 है ना, सो स्ट्रेन अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेन क्या है डेल्टा एल बाय एल, तो ये स्ट्रेन 0 हो गया। परफेक्टली रिजिड बॉडी, आइडियल परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए स्ट्रेन 0 हो जाएगा, तो इस वजह से हमारा यंग्स मॉडुलस इन्फिनिट हो जाएगा और यही हमारा इसका आंसर होगा। ओके।